देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण चल रहा है। इसी बीच 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को वैक्सीन लगाई जानी है, लेकिन उन्हीं बुजुर्गों को टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। दौसा में भी स्थिति कुछ ऐसी ही देखने को मिली, जहां बांदीकुई अस्पताल में रजिस्ट्रेशन के लिए सीनियर सिटीजन को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। कोरोना वैक्सीनेशन के टीकाकरण के लिए प्रशासन ने ई मित्रों से रजिस्ट्रेशन करवाने की सुविधा दी है, लेकिन इन बुजुर्गों को ई मित्रों से रजिस्ट्रेशन करवाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में कुछ बुजुर्ग कोरोना वैक्सीन के टीके लगवाने के लिए अस्पताल पहुँचे और रजिस्ट्रेशन करवाना चाहा, लेकिन वहाँ बैठे कर्मचारियों ने रजिस्ट्रेशन करने से मना कर दिया, जिस पर अस्पताल में काफी हंगामा हुआ, जिसके चलते सीनियर सिटीजन ने उपखंड अधिकारी को फोन कर शिकायत दी। काम करने से वैक्सीन लगवाने के लिए मना कर दिया। जब मैंने उनसे प्रेशर डाला कि मैं एसडीएम साहब से या अधिकारियों से बात करता हूँ, तो उनमें रजिस्ट्रेशन में जो आधार कार्ड की एंट्री कर रहा था, उसने तो ये जवाब दिया कि मैं पहले रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद एंट्री करूंगा, और रजिस्ट्रेशन जो करने वाला था उसने कहा मैं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करूंगा, आप ई मित्र से करा के लाइएगा। इस दौरान क्या हुआ, सीनियर सिटीजन 50-60 सीनियर सिटीजन मौजूद थे, और उन्होंने जो है रिक्वेस्ट करी जाके प्रभारी जी से, एसएन शर्मा जी से, और जो भी प्रभारी उनसे करीब वो आए थे, तो उन कर्मचारियों ने जो है उनसे भी अभद्र व्यवहार किया। स्थिति ये हो गई कि उनको मजबूर जाके अब एसडीएम साहब से जो है, अभी भी सीनियर सिटीजन 20-25 सीनियर सिटीजन यहाँ मौजूद हैं, जो है वैक्सीन लगाने के लिए मिले, यहाँ कोई सुविधा उपलब्ध नहीं। वहीं मामले को लेकर BCMHO का कहना है कि इंटरनेट की स्पीड कम होने और स्टाफ कम होने के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने मामले में तफ्तीश करने की बात कही है। बिल्कुल, आपके थ्रू ये मैटर मेरे संज्ञान में आया, इसी मैटर में एसडीएम साहब से भी बात हुई है। एक्चुअली ये था कि ये तो कोविन ऐप काफी स्लो चल रहा है, और जो अदर स्टाफ था, तो इसके लिए हमने वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए हमारे मेरे कार्यालय से एक वो सूचना सहायक को भी इस काम के लिए लगाया, और एक ऑपरेटर भी मंगवाया गया है, और प्रोग्रामर जी से बात करके ई मित्रों का भी सहयोग लिया जा रहा है, जल्दी इस समस्या का समाधान हमारे द्वारा कर दिया। अगर ऐसा हुआ है तो हम संबंधित विभाग को लिखेंगे इस बारे में, अगर किसी कर्मचारी ने किया है तो बिल्कुल गलत किया है, तो उसके लिए हम आगे कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को, जो प्रोग्रामर है उससे मैंने अपनी शिकायत की है, और जल्दी इस समस्या का समाधान करवाया जाएगा, उसको पाबंद किया जाएगा कि वो इस कार्य में सहयोग करेंगे। वहीं हंगामे के बाद उपखंड अधिकारी से फोन पर बात हुई, जिसके बाद BCMHO ने वैकल्पिक व्यवस्था की। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सरकार की ओर से सीनियर सिटीजन को वैक्सीन लगवाने के आदेश दिए हैं, तो उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है। पंजाब के सीटीवी राजस्थान के लिए दौसा से HN पांडे की रिपोर्ट।